सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चोडामणि कुलेन्दुवर्तं तुमिन्दुवदनम सहावतं सापर्यं सुवत्समुदार कौस्तुभम् सुंदरम। आदरणीय बर पक्ष वालों, हम पक्ष वाले आपके आने पर हार्दिक स्वागत है और जो पुण्यादी आत्मा का मिलन होने जा रहा है उस प्रभु से चाहते हैं उसका विवाह की जीवन सुख में अनुभव हो रहा। किसी कवि ने बात कहा है आज आपके बीच में अपने आप को पाकर बड़े सौभाग्य हो। पयसा कमलम कमले पया पयसा कमलम यानी कि कहते हैं कि जैसे जल की शोभा जो है कमल के द्वारा और कमल की शोभा जो है जल के द्वारा होती है और कमल और जल के द्वारा तालाब शोभा को प्राप्त और जैसे मणि की शोभा कंकण से कंकण की शोभा मणि से मणि और कंकण के द्वारा हाथ शोभा को प्राप्त हो रहा है। रात्रि की शोभा चंद्रमा से और चंद्रमा की शोभा रात्रि से रात्रि और चंद्रमा की शोभा जो शोभा से हमारा आकाश शोभामान हो रहा है। वैसे ही आपकी हमारी शोभा आपके यहाँ आने पर और यहाँ पर आपके जाने पर दोनों की तरफ जो हमारा प्रतिभा चला है और शोभा चला है भगवान की पक्ष से होने पर हम दोनों के आपस में जो असंबंध बनने जा रहे हैं उसके साथ ही आज हम अपने आप को आपके कृपा सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे। गजानन भूत गणादि सेविताम उमा सुतम शोक विनाशि कारिकम नमामि विघ्नेश्वरम्। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नो कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्व मंगल मांगिले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याश्रम के गौरी नारायण नमोस्तुते। परमादरणीया उपस्थित कन्या पक्ष व वर पक्ष मैं वर पक्ष
बालों की तरफ से कन्या पक्ष का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने वर पक्ष बालों का स्वागत किया। आज के इस पुण्य समय का दोनों पक्षों को बड़े लंबे समय से इंतजार था कि जब दोनों पक्ष इस मिलन की बेला को इस शुभ समय के ऊपर जो है वो आता है। जैसे शुक्ल पक्ष आता है और चंद्रमा का आकार जो है वो दिनों दिन बढ़ देता है, और पूर्णिमा के आने पर चंद्रमा जो है वो अपना पूर्ण रूप जो है वो देता है। तो उसी प्रकार इन दोनों संबंधियों का संबंध जो है पूर्ण रूप से दीर्घ काल तक बना रहे। शास्त्रों में विवाह सात प्रकार से कहा गया है, जो वेदिका के मध्य में संस्कार किया जाता है, परिग्रहण संस्कार किया जाता है, तो हमारे विषयों में उस विवाह को श्रेष्ठ। जैसे गंगा में स्नान करने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, और चंद्रमा के आने से गर्मी जो है वो शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार कल्प तरु के देखने से दृढ़ता जो है वो दूर हो जाती है। तो दोनों संबंधी इन सब में ये गुण जो है वो समान। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों पक्षों का स्नेह और संबंध जो है वो दीर्घ काल तक जो है वो बना रहे।